हेलो फ्रेंड्स, तो आज मौसम देखो और मैं खुश हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ कि आज हमारे जो बहादुर सैनिक थे उन्होंने अपने पुलवामा अटैक का जो बदला था वो आज ले लिया है। हमारे वायु सैनिकों ने कल रात को 3:30 बजे जा करके पाकिस्तान के जो कैंप थे उन कैंपों को जाके POK में जाके उनको उड़ाया है। उनके जितने भी मिलिटेंट थे जैश मोहम्मद के लगभग 300 से ज़्यादा मिलिटेंटों को ख़त्म किया है हमारे बहादुर सैनिकों ने। और ये हम मैं पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि तुमने जो ये नापाक काम शुरू किया ये काम हम ख़त्म करेंगे। जंग का आगाज़ हमने कर दिया है और जंग को अंजाम तक भी हम पहुँचेंगे। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम हमारे सैनिकों को मारोगे और हम चुप करके बैठेंगे? ये कभी नहीं होने वाला था और ना ये होगा। तुम लोगों को हम ऐसे ही तुम्हारे घर में घुस घुस के मारेंगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये चेतावनी है तुम लोगों के लिए कि सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो पूरे पाकिस्तान को हम तबाह कर देंगे। हमें वो शक्ति है, हम सहन करते हैं, सहनशील है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो करोगे वो हो जाएगा। हमारे नेते लोगों को तुमने मारा था घर में आकर के और तुमने सोचा था कि हिंदुस्तान वाले ऐसे बैठेंगे? नहीं, हम चुप करके नहीं बैठने वाले थे। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे भारत देश की वायुसेना ने उन शहीदों का बदला ले लिया है और अब बारी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की है। इमरान खान, छिप सकते हो तो छिप जाओ, हम आ रहे हैं और तुम लोगों को हम ख़त्म करके रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।